आपदेता। For me, it's a great occasion, opening of the sports gym and cafe by Mr. Rajesh and supported by association with Shiv Ray Sports. Number one, it will be a great, not only sports, but also a gym where all the young generation of this locality will be benefited. This gym will be supervised by Mr. Rajesh, who himself is a national level high ranked player and highly professional, being head of the physical education faculty of Modern School Barakamba Road. And he has a rich experience in physical education, and I'm sure under his guidance it will be a great store plus great gym for all the people to maintain their fitness level and to stay healthy and happy. मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा स्टोर है और मेरे हिसाब से इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि जिस जगह पे है, जो लोकेशन है, सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। एंड एक मतलब स्पोर्ट्समैन को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जिम है या फिर कुछ भी, जो भी एक स्पोर्ट्समैन की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट सक्सेस एंड आई विश राजेश सर ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जी बात बताइए, आप यंगेस्ट क्रिकेटर हैं और मुंबई इंडियंस में तो आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी वी कैन कंसीडर इट अ डन, सो कैसा फील होता है आपको? अच्छा होता है। मैं एक्चुअली रणजी ट्रॉफी खेला था दिल्ली से 2 महीने पहले, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो हुआ तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मैं अच्छा कर पाया था दिल्ली के लिए, और मुंबई को जो हमने मैच 42 ईयर्स के बाद हराया, तो पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा एक मतलब प्लेटफॉर्म था कि सबका नाम बहुत ज़्यादा हुआ था उस मैच के बाद, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया। ऐसे प्लेयर कौन सी कमियाँ रहती हैं स्पोर्ट्स के? मतलब सर, कमियां तो ऐसे सबकी अलग अलग हैं, बस सबका वही है कि उसको देख पाए जितनी जल्दी हो सके, पहचान पाए और उस पर वर्क करे जितना हो सके, क्योंकि हमारे जो कोचेज होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होते हैं, वो सबका, उनका एक ही एम होता है कि जो भी कमियां हैं वो हटा पाए। सारे स्पोर्ट्समैन का यही एम होता है कि जितनी कमियां वो कम कर पाए। सर, मेरा सवाल आपसे है सर, तबाता जिम आपने खोला है, आपको किस तरीके से अलग लगता है बाकी अन्य जिम से, आपको इसमें क्या एक खासियत ऐसी लगती है? हाँ, बाकी जो इसमें नई चीज़ आज हमने देखी, स्पोर्ट्स शोरूम देखा और कैफे भी देखा है, काफ़ी अलग तो है ये, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किस एंगल से ये जो जिम है वो अलग लगता है? भाई जी, हैविंग माय लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, आई विल कॉल इट वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली, कंसिडरिंग I will call it 3-in-1. Like, we have a cafe here, we have a gym here for fitness, and we have a sports shop for various like clothes, shoes, and other things. So, and the facilities, the equipment they are using, I don't see that is available there in Delhi in so many gyms. So, 3-in-1. बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, ये इंडियन स्पोर्ट्स वेयर होम ग्रोन ब्रांड, यू कैन कॉल इट एज ए नंबर वन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड इन द कंट्री। और ये जो ब्रांड शुरू किया था, ये फैमिली ओन बिजनेस है, फैमिली ओन ब्रांड है। ये मिस्टर शिव जी हमारे जो CMD हैं, उनके फादर, उन्होंने 30 साल पहले शुरू किया था। और ये इस यहाँ पे हमारा इंडिया में फर्स्ट, वी कैन कॉल इट एंड फर्स्ट टूर इन द कंट्री। और इसी तरह का अगले, अब पहले हम लोग कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन में थे, और ये हमारा पहला एसोसिएशन है राजेश जी के साथ, और हम इसी तरह के पैन इंडिया में अगले 2 साल में 200 स्टोर खोलना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? अकेले ये सब हमारे जितने भी एथलीट हैं,
ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वेयर ब्रांड है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लोथिंग और फुटवेयर हम बनाते हैं। वो जितने भी स्पोर्ट वेयर जितने भी लोग स्पोर्ट्स वेयर पहनना चाहते हैं दिस इज द बेस्ट ऑफ द ब्रांड इन द कंट्री। सर आप बताइए सर, आई फॉर टू मेंशन समथिंग, द अदर जिम्स दैट आई हैव बीन टू, द थिंग दैट लैक्स इज द प्रोफेशनलिज्म, लाइक द ट्रेनर्स आर नॉट really qualified, whereas over here I see Rajesh and Sher Singh, they both happen to be from the field of sports and physical education, that is the plus point. Okay. Sir, basketball aajkal hamare desh mein jis hisab se kheli jati hai sir, aap kya future kaise dekhte hain basketball ka sir, aap basketball sport as a sport? Basketball is a most popular sports not only in India, especially in Delhi, because it is played by both the genders, boys and girls, and in Delhi it is played in more than 200 good schools basketball. Every school can afford to have basketball court because it needs only 35 to 40 meters of space in length and 20 meters in weight. It's the most popular. The only hurdle in this is that because of so much load on of studies on the students plus tuitions after the school hours is the only main hindrance in developing the sports at school level. And now the percentage of participation in sports is increasing day by day, and it will be a great achievement sports in as far as our school and college level is concerned. Thank you so much, sir. Thank you very much. उद्घाटन हुआ है, मेरे घर में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी जो आज एक किया गया। मेरे घर में आने वाले टाइम में इसको देखते हुए और भी स्पोर्ट्स स्टोर खुलेंगे जिसमें लोग जो है अपनी पसंद की चीज़ें ले पाएंगे। मैम आप बताएं आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा है। आई स्टडी फ्रॉम कॉन्वेंट सोफिया गर्ल्स स्कूल, वहाँ पर बास्केटबॉल का बड़े एक्सपीरियंस दे, आई लव उसमें। इसके अलावा जैसे कि बहुत बारखंबा रोड वाले बहुत अपने आप में एक खास है, बड़ी उनकी ऐड जाती है, अच्छी अचीवमेंट्स है। आई एम ऑल्सो टीचर, आई प्रे टू गॉड फॉर सक्सेस इन एवरी फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स। Thank you so much.